इंटरनेट पर लोगों की दुविधा आजकल इसी बात को लेकर है कि वो टेक कंपनीज को अपना डेटा दे रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये सभी प्लेटफॉर्म आजकल इस कदर जरूरी हो गए हैं कि अब वो चाहकर भी इसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन इसके एवज में इनको अपना बहुमूल्य डेटा इन कंपनीज को देना पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने तरीके से करते हैं। व्हाट्सएप ने जब से इस बात की घोषणा की है कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के पास जाएगा, तब से एक तरह से व्हाट्सएप के यूजर्स के बीच एक हड़कंप मच गया है। लेकिन लोगों को आशा के किरण तब नजर आई जब अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने अपने ट्वीट के जरिए लोगों को एक नया मैसेंजर सिग्नल की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि सिग्नल फोन नंबर के अलावा और कोई डेटा यूजर का नहीं लेता है। जाहिर सी बात है, उनके इस ट्वीट का असर होना था और हुआ भी। सिग्नल अब व्हाट्सएप को पछाड़कर भारत का टॉप फ्री ऐप बन गया है। सिग्नल की शुरुआत 2010 में तब हुई थी जब विस्पर सिस्टम ने एंड्रॉइड वर्जन में इसका ऐप लॉन्च किया था। आगे चलकर इस कंपनी को ट्विटर ने खरीद लिया था। बाद में ये ट्विटर से भी अलग हो गया और 2018 में जब व्हाट्सएप के जनक ब्रायन एक्टिन ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिग्नल फाउंडेशन की स्थापना की, तब उसके बाद भी उन्होंने इसका ऐप डेवलपमेंट जारी रखा। सिग्नल का टैगलाइन से हेलो टू प्राइवेसी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सिग्नल के यूजर्स संदेश भेजने, अपने दोस्तों के साथ ऑडियो और वीडियो कॉल करने, फोटो, वीडियो और लिंक साझा कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से व्हाट्सएप जैसा है। सिग्नल ने हाल ही में यानी कि दिसंबर 2020 में ग्रुप वीडियो कॉलिंग का विकल्प भी ऐप के साथ जोड़ दिया है। सिग्नल में 150 लोगों का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। यदि आप सिग्नल पर एक ग्रुप बनाते हैं तो सभी को ग्रुप में ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए लोगों को एक इन्विटेशन भेजा जाता है। व्हाट्सएप में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिग्नल आपके संदेशों का व्यक्तिगत रूप से जवाब देने देता है, किसी विशेष संदेश के लिए इमोजी आधारित मैसेज भेजता है और यहाँ तक कि चैट के किसी मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन विकल्प चुनकर हटा भी सकता है। सिग्नल में संदेश को गायब करने की भी सुविधा है। आप सभी व्यक्तिगत चैट के लिए गायब संदेश सेट कर सकते हैं और इसके लिए 5 सेकंड से 1 सप्ताह तक का समय चुन सकते हैं। सिग्नल का फोकस पूरी तरह से प्राइवेसी पर है। ये ऐप महज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुविधाओं पर समझौते किए बिना यूजर्स को कम डेटा देने का विकल्प भी देता है। तो क्या हम मान लें कि मार्क जुकरबर्ग के दिन अब लद गए हैं?